The Mahasao DCC stages dharna at half long in protest against the massive loot and misappropriation of public money deposited in SBI and LIC by Adani Group and silent acceptance by government against Adani Group and with the demand of inquiry by appropriate agency against Adani Group that the Mahasao DCC staged dharna in front of Rajiv Bhavan on Monday at half long. The president of DCC, Samarjit Haflongbar, Kalijai Sangyung and many Congress leaders took part in the demonstration. Indian National Congress, America based जो account जो agencies है Indian Bank, उनका जो report है गौतम अदानी के ऊपर में, आज जो पृथ्वी में विश्व में richest का list में तीन नंबर से आज छलांग नीचे आके नीचे उतार के वो आज 25 नंबर में आ गया है। और उनका जितना भी घोटाला जो धनी का लिस्ट में जो तीन नंबर में था किस तरह से बना है उसका सारा घोटाला फाइनेंशियल घोटाला उस इंडियन बैंक रिपोर्ट में आ गया है। लेकिन आज भारत सरकार और मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी इसके ऊपर में आज साइलेंट है, चुप है। आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, कोई एश्योरेंस भी नहीं दिया है, उनका कोई सफाई भी नहीं आया है। इसलिए आज सारा भारत में कांग्रेस आज का दिन में धरना प्रोग्राम लिया, उसी तरह आज दिमासों में भी दिमासों कांग्रेस ने धरना प्रोग्राम लिया है। हमारा मांग ये है कि जितना भी जो घोटाला हुआ उस घोटाला का और जो जो सरकार ने उनका ऋण जो माफ किया है करीब 2.5 लाख करोड़ जो ऋण माफ किया वो क्यों किया है और जो घोटाला हुआ है फाइनेंशियल घोटाला और जिसमें LIC जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो बैंक्स है LIC है SBI है पंजाब नेशनल बैंक्स है वो बैंक का जो पैसा जो निवेश किया था वो किसका इससे एडवाइस से किसका सजेशन से निवेश किया है और उसका हालत क्या होगा और पब्लिक का जो पैसा तकलीफ का जो पैसा लगाया है LIC में SBI में और पंजाब नेशनल बैंक में वो पैसा का भविष्य में क्या होगा सरकार का कोई एश्योरेंस नहीं है। इसके खिलाफ में हम लोग को मांग हुई कि ये हाई लेवल का इंक्वायरी होना चाहिए और जो जो दोषी व्यक्ति है इतना बड़ा घोटाला 6-7 लाख करोड़ का जो घोटाला है उस घोटाला में जो जो इन्वॉल्व है उसको सही तरह से पनिशमेंट देना चाहिए। इसलिए आज पूरा प्रदेश फास हो गया कि जो सरकार जो है भारत सरकार मोदी सरकार जो अपने आप को मसीहा समझता है अपने आप को देश को मालिक समझता है उसका नका पूरा फास हो गया है कि ये जो सरकार जो है ये भारत का जनरल पब्लिक का सरकार नहीं है सिर्फ पूंजीपतियों का कुछ पूंजीपति जो है कैपिटलिस्ट जो है जो उद्योगपति है उनका सरकार आज पूरा प्रमाण हो गया है। इसलिए सारा देश को मैं अपील करना चाहता हूँ खास करके जनरल पब्लिक को जो साधारण नागरिक है जो देश का नागरिक है जो देशभक्त है और साथ साथ में जो अंधभक्त जो है बीजेपी का उनको भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए और जो मोदी का जो नीति है जो गरीब का कल्याण का जो खिलाफ का जो नीति है भारत सरकार भारत का जो नागरिक का खिलाफ का जो नीति है उस नीति को खिलाफ में हम लोग एकजुट होके हम लोग सब लड़ना होगा और जब तक ये जो मोदी जो है उनका तनाशा है उनका जो एकनायकतावादी जो उनका जो उनका जो रूप जो है उसको जब तक नहीं हटाएगा देश का भविष्य हम लोग को अच्छा नहीं होगा। इसलिए सब एकजुट होने के लिए सबको अपील करता हूँ क्योंकि ये जो देश जो है हम सबका है ये सिर्फ मोदी का नहीं है किसी का बाप का भी नहीं है ये हम लोग सब भारत देशवासियों का ये देश है भारत है इस देश को बचाने के लिए कर्तव्य हम लोग सबका है। इसलिए दिमासों में भी दिमासों को जितना भी जनता है आज देख रहा है कि भारत जो बोलता है कि रोज़गार देगा रोज़गार का इतना हालात है खराब है यहाँ में और साथ साथ में यहाँ का जो महंगाई जो बढ़ रहा है सामान का जो दाम इतना बढ़ रहा है ये इसके खिलाफ में अगर जाएगा तो इस जो बीजेपी का जो एकता नायकवादी जो सरकार जो है जो तनाशा का सरकार जो है डिक्टेटोरियल जो सरकार है उसको हटाना जरूरी हो गया हम लोग क्योंकि आज आहिस्ता आहिस्ता करके रेल बेच रहा है यहाँ से एयरपोर्ट बेच रहा है सारा अडानी को बेच रहा है सब तो अगर ऐसा भी प्राइवेटाइजेशन सब हो जाएगा तो रोजगार कहाँ से आएगा जॉब्स कहाँ से क्रिएट होगा या युवा नौकरी कहाँ से मिलेगा। इसलिए जो भी समय भविष्य में अभी भी समय थोड़ा बाकी है हम लोग सब एकजुट होकर ऐसा वाला तानाशाह सरकार को हम लोग हटाना जरूरी हो गया। अभी सब एकजुट होइए सब आइए एक साथ आके अभी LIC का जो पैसा डूबा हुआ है
SBI का पैसा डूबा हुआ है, इसको किस तरह से हम लोग बचाएगा, उसके लिए हम लोग एकजुट होना जरूरी हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। यही हम लोग का सबको अपील है।